हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो गाइस, मैं आप लोगों के लिए आ गया एक मैच कवर करने जो कि खेला जाएगा फैन कोड यूरोपियन टीटन वेनिस लीग का, पीएडी वर्सेस लोनिको के बीच 1:43 के बाद। तो इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि बाद में आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना आए। जब एक न्यू सीरीज स्टार्ट होती है ना, मैं आपको पूरा समझाता हूँ आगे चल के। तो पहले अगर ग्रुप का नाम देख लो, तो जब एक न्यू सीरीज जैसे स्टार्ट होती है, जब एक बार वेनिस लीग जब स्टार्ट हुई थी अभी मतलब 4-5 दिन पहले, तो हमने शुरुआती मैचों में इतनी क्लीन स्वीप मारी थी, इतना एनालाइजमेंट हमारा काम आया था कि एक के बाद एक जीते थे। लेकिन जैसे जैसे लीग पुरानी हो जाती है, 4 दिन बीते 5 दिन बीते, उसके बाद ये बैटिंग ऑर्डर की बैंड बजाते हैं भयंकर। मतलब ये ऐसा बैटिंग ऑर्डर देंगे जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। कभी बॉलर ओपनर आएगा, कभी विकेट कीपर बॉलिंग करवाएगा, मतलब उल्टा सीधा जो इनके मन में आएगा वो करेंगे, जैसे कि आप एक गली में क्रिकेट खेल रहे हो। इसलिए ये टीटन है, अपने पैसे मत वेस्ट करो, आपको नॉर्मली बता रहा हूँ। भले ही मैं आपको बता दूं, जितना आप मतलब अगर आप इन्वेस्ट कर भी सकते हो तो मत करो, एक्चुअली मैं भी यही करता हूं। तो इसमें इन्वेस्टमेंट जो करनी है बिल्कुल लेस करना, आप समझो कि ये एंटरटेन के लिए खेल रहा हूं, नॉट फॉर अर्निंग। अर्निंग के लिए फुटबॉल पड़ा है, फुटबॉल बहुत है भाई। अभी आज फुटबॉल का मैच नहीं है, लेकिन कल से फिर फुटबॉल स्टार्ट। तो फुटबॉल पर ज़्यादा जोर देंगे, क्रिकेट पर मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, क्योंकि टीटन में आप भले ही पूरा दिन एनालाइज कर लो 24 घंटे, लेकिन उसके बाद भी आपका रिजल्ट होगा हाफ लॉस्ट। मतलब मैं आपको साफ साफ बता दूं, बात करूंगा विकेट कीपर की तो एच सिंह को लेने वाला हूं। अब देखो, हरविंदर सिंह एक नॉर्मल बैट्समैन है, अगर मैं इसको ड्रॉप करके कोई अनदर बैट्समैन लेता हूं तो वो फुल्ली रिस्की रहेगा। तो इट्स अ मेन प्लेयर, भले ये मिडल ऑर्डर आए, टॉप ऑर्डर आए, या मेरी तरफ से बैटिंग पर भी ना आए, बट इसको लेना बहुत ही ज़रूरी है। और आगे से बात करूं बैट्समैन की, तो यहां से लूंगा पहला प्लेयर एस कोदिकारा को। ये प्लेयर का शुरुआती मैच के अंदर तो देखो बिल्कुल बेकार खेला था, लेकिन प्रीवियस मैच के अंदर वापसी की, बिकॉज इट्स अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, और टॉप ऑर्डर की जो बैट्समैन होते हैं उनकी वापसी कभी भी हो जाती है अच्छी। और आगे से बात करूँ जी कुंडलेस की, गुरजीत कुंडलेस को मैं यहाँ से लेने वाला हूँ गाइज। और जो प्लेयर आप देख रहे कुंडलेस, तो ये टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, प्लस ये 2 ओवर बॉलिंग कराएगा, ये एक तरह एक ऑलराउंडर है, बट इसको डाला हुआ इन्होंने बैटिंग सेक्शन में हुआ है। तो आगे से बात करूँ डी कौसला की, तो कौसला भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, सच्ची बता रहा हूँ। इसकी बॉलिंग ना और जो इसकी बैटिंग है, सच्ची में अपरंपार है, बहुत ज़बरदस्त, टीटन के हिसाब से अच्छा खेलता है। सी फर्नांडो ने पिछले मैच के अंदर एक एवरेज सी पारी खेली, 2 विकेट्स ले गया, उम्मीद नहीं थी बॉलिंग करवाएगा, लेकिन इसको पता नहीं बॉलिंग किस चक्कर में दी, विकेट शायद ना गिर रही हो, तो बंदे ने आते ही इकोनॉमी रेट मेंटेन कर दी। मैं तो मतलब वरना इसका कोई बॉलिंग का चांस नहीं था पिछले मैच में। आगे से बात करूँ ऑलराउंडर की, आराधिया को लूँगा। आराधिया इज़ अ नॉर्मल प्लेयर, और ये जो आप देख रहे हैं ना आराधिया, ये इट्स नॉट ए मोर गुड प्लेयर। मतलब अगर आप सोच रहे हो, मैं सिर्फ इसको इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, ये 1 डाउन आता है और 2 ओवर बॉलिंग करवाता है। और आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, जिसका नाम है नुवन अरची के गाइज, ये प्लेयर बहुत ही ज़्यादा आपको डेंजरस दिखेगा, क्योंकि ये बंदा शुरुआती ओवर से ही विकेट निकालना शुरू कर देता है, क्योंकि इसको 2 ओवर शुरू के मिलते हैं, एक पहला एक तीसरा, प्लस इसको ये अपनी टीम से ओपनर आता है। और आगे से बात करूँ एस सिंह की, संदीप सिंह ने पिछले मैच के अंदर अभी जो हुआ था 34 रन मारे, जिसमें कि इससे 65 पॉइंट्स रीच कर लिए, जो कि एक तरह एवरेज है, ठीक है गाइस। आगे से बात करूँ बॉलर्स की, तो ये हैंडन को लूँगा। हैंडन को देखो बॉलिंग ज़रूर देंगे, भले ही एक ओवर दें। तो आगे से बात करूँ एस हुसैन की, तो एस हुसैन का पिछले मैच में चांस तो नहीं था विकेट लेगा, लेकिन बंदा विकेट यार ले ही गया, मतलब बिना उम्मीद के भी विकेट लेगा, क्योंकि 2 कैचेस पकड़ ली थी जिस कारण पॉइंट्स बढ़ गए। और आगे से बात करूँ आर सिंह की, आर सिंह को अपना वीसी चुन सकते हो, 2 डाउन आता है। देखो है तो वो बॉलर, आप भले वाइस कैप्टन चुनो या कैप्टन चले या ना चले, वो बात की बात है, है ये पहले बॉलर बाद में बैट्समैन, ये मत करना कि बैटिंग के चक्कर में ले लो, बैटिंग आ भी गई क्या पता 2-3 रन में आउट हो जाए, इसलिए आप बॉलिंग के चक्कर में लो। आगे से बात करूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, देखो कैप्टन जो मैं रख रहा हूँ वो है गाइस एन अरची के, एंड वाइस कैप्टन जो मेरा है वो डी कौसला, बिकॉज दिस टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इनको एक्सपीरियंस तगड़ा है। तो मिलता हूँ गाइस अगली वीडियो में, बाय।